अरे लाइट का बिल गिर गया, देखिए किसके सिर पे लगाइए। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोनिचुआ इंडिया। दोस्तों सबसे पहले भाई दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकें। और दोस्तों फिलहाल आज हम क्या कर रहे हैं, आज के इस व्लॉग में हम अलग अलग जगहों की जाके हम रावण वगैरह दिखाएंगे भाई अपनी इस वीडियो में। और भाई बहुत ही अमेजिंग, कई जगह भाई 35 फुट के हैं, कई जगह 40 फुट के हैं, कई जगह 60-65 फुट के भाई रावण वगैरह हैं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं इंदिरा नगर, सबसे पहले इंदिरा नगर के आपको रावण वगैरह दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे मॉल डाउन सेकंड, देन मॉल डाउन फर्स्ट, मजा आ जाएगा भाई इस वीडियो में आपको। और फिर एक ही बार शाम में दशहरा देख के इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो भाई अभी फिलहाल हम आ रहे हैं यहाँ पे इंदिरा नगर, और इंदिरा नगर में जहाँ आपको दिखाया था मैंने आईपीएल का मैच होता, वहीं पे दशहरा ग्राउंड है और यहाँ पे रावण जलने वाले हैं। ये जो मेरे पीछे है यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे और लोग, और ये जो पीछे है यहाँ पे रावण दहन होगा। तो चलो भाई अब एक काम करते हैं, चलते हैं कहीं और के बार रावण वगैरह देख के आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ, आजा भाई, आजा। अभी हम आदर्श नगर इधर से रावण देखने के बाद, इंदिरा नगर के रावण देखने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं मॉल टाउन, जहाँ से भाई शुरुआत हुई थी भाई चीज़ों की। तो भाई ये है मॉल टाउन के पीछे देख सकते हो, ये रावण, ये मेघनाथ कुंभकर्ण, ये मेघनाथ और भाई उस तरफ कुंभकर्ण। इनकी भाई हाइट क्या है इनकी? ये 50 फीट का, ये 60 फीट का करेंगे। अच्छा, ये मेघनाथ 50 फीट का और ये 60 फुट का, और वो 45 फुट का। लग तो नहीं रहा यार, पता नहीं चल रहा है इतना। अच्छा अच्छा, छोटी से नापा जाता है भाई, ये देख लो भाई। तो फिलहाल अभी हम करें हैं मॉल टाउन सेकंड के भाई, ये दशहरा ग्राउंड है। कितना टाइम लगे सर इन सबको बनाने में? तकरीबन 20-25 दिन तो हमारे को यहाँ पे लग गए। 20-25 दिन आपको लग गए यहाँ पर? अच्छा, और फिर घर से भी हम तैयारी करके लेके आते हैं कुछ। तो कितने लोग काम करते हैं एक साथ? अभी नहा के अभी हटे हैं। अच्छा, नहा के रेडी, सब कुछ तैयार करके अभी हटे हैं, सारा कुछ डाल के। तो यहाँ पे जो पीछे मतलब ये कमेटी मेंबर वगैरह बैठेंगे यहाँ पे सारे, ये कमेटी के लिए शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें मतलब वो मिलेगा पास अगर हम भी आ जाएं, बैठा दो पीछे। कोई नहीं, आ जाना आपको। भाई एक बात मैं बताना चाहूंगा, पहले इनको जरूर दिखाओ, ये गुड्डू भाई है हमारे, जिनके आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो, और भाई ये मतलब छाए हुए हैं भाई, इनकी रील डालते सार वायरल हो गए भाई हमारे इंस्टाग्राम पे वाली वीडियो। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सीरियसली लोगों को ही काम पसंद आया आप लोगों का भाई, मतलब बहुत मेहनत लगती है और पूरी टीम है इन सबके पीछे। तो भाई फ्री हो चुके हैं यहाँ पे मॉल टाउन सेकंड की, मतलब आपने देख लिया यहाँ के रावण वगैरह। तो फिलहाल एक काम करते हैं मॉल टाउन फर्स्ट के एक बार रावण वगैरह देखते हैं। अब भाई ये लोग कह रहे हैं कि एक बार जा रहे हो तो एक बार मॉल टाउन फर्स्ट के रावण वगैरह भी देखो। तो फिलहाल एक बार वहाँ पे चलते हैं, रामलीला कमेटी वालों का ग्राउंड है ये, और यहाँ पे इस तरीके से कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे स्टेज बना रखा है भाई। सिटिंग देखो भाई यहाँ की, कितनी कंफर्ट सिटिंग है। और ये है बेसिकली यहाँ का राम द्वार, देख लो भाई राम द्वार में कितनी कंफर्ट सिटिंग मिलती है। ये है मॉडर्न फर्स्ट की भाई, ये मतलब रामलीला ग्राउंड है, और यहाँ पे भी मतलब रावण वगैरह खड़े हो चुके हैं। इससे पहले हम गए थे मॉडर्न सेकंड में, और ये है मॉडर्न थर्ड की। तो मॉडर्न थर्ड का दशहरा ग्राउंड है वो अलग है तो बस जस्ट पास पास से, मतलब लगा लो आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, और भाई आधा किलोमीटर के अंदर मतलब लगा लो 6 रावण खड़े हैं, 3 यहाँ के। छोटे रावण भी बेच रहा था, तो एक बार चलते हैं और भाई देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई छोटे रावण का क्या रेट है। मतलब बड़े रावण जो अभी 65 फुट का जो रावण इन्होंने दिखाया वो बता रहा था भाई 50-60 हज़ार का रावण है, इतना महंगा। तो भाई एक बार छोटे छोटे रावण के रेट पूछते हैं, वो भी भाई मतलब महंगे महंगे हैं या सस्ते सस्ते हैं। तो चलो भाई चलते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं वो भी आपको, बड़े तो बड़े छोटे भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी ये बेसिकली आजादपुर के पास ही यहाँ पे मैंने देखा कि भाई सड़क पे रावण वगैरह पड़े हुए थे, तो मैं सोचा एक बार देखते हैं राजो। एक बार भैया से पूछते क्या रेट वगैरह है भैया? सर ये 5,000 रुपये का है। ये 5,000 का है जी? अच्छा, वो जूते रखे इसके? अच्छा, वो जूते रखे, हाथ है जूते है, ठीक है, तलवार है, हाथ जूता तलवार और मुकुट, मुकुट बना हुआ है ऊपर लगा हुआ, कंप्लीट है सर ये। अच्छा, हाथ और पैर लगने हैं कंप्लीट होने के लिए इसके। अच्छा, और ये तो यहाँ से फटा नहीं हुआ हल्का हल्का? सर ये बांधना भी है इसकी, होएगा भी। अच्छा अच्छा अच्छा, मलम पट्टी लगेगी इसके लिए। और क्या रेट 5,000 का बता रहे हैं सर ये? एक वो भी 5,000 का है। तो किसी बंदे को लेके जाना हो तो कैसे लेके जाएगा वो? सर वो गाड़ी लेकर आते हैं अपनी, विक्रम हो गया छोटा। अच्छा, हो गया रिक्शा हो गया छोटा। तो ये तो इसी बार से आपने लगाना चालू करा, पहले तो आप नहीं लगाते थे? इस बार ही लगा, पहले आगे लगाते थे चौक पे। अच्छा, पहले आगे चौक पे लगाते थे, तो निकल जाते शाम तक? हाँ जी। क्या बात है। और ये देखो भाई ये पड़े हुए हैं यहाँ पे रावण के जूते,
तलवार भी है और सर पे ये चक्री भी लगाने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये लोग फिक्स करके देंगे भाई बिल्कुल यहाँ पे, तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने बस अपना एक टेम्पू लेके आना जिसके ऊपर जाएगा ये। और इन तीनों के रेट भाई यही है, 5,000 रुपये इन तीनों का रेट है। अब ये देखो ये पीछे वाला रावण, ये भाई ये 8,000 रुपये का है यहाँ पे, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है और इसमें जूते वगैरह लगेंगे तो भाई और थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। अरे लाइट का किलो गिर गया, देखिए किसके सिर पे लगाइए।